जी का ये जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स का जो फाउंडेशन है, कई वर्ष हम इसमें आए, पिछले साल भी आए थे। समाज का काम समाज में करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर आदमी को अपनी पड़ी हुई है, किसी को फुर्सत नहीं होती है। और ऐसे विषम समय में जहां आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने छोड़ के दूसरे के लिए कुछ करने का नहीं है उनके अंदर कुछ जज्बा, ऐसी परिस्थिति में राकेश पांडे जी, इनके सहयोगी लोग ह्यूमन राइट्स के लिए और उनको जागृत करने के लिए, उनको सामाजिक कठिनाइयों में सहयोग करने के लिए, वो कानूनी हो, मेडिकल हो, शिक्षा हो, हर तरह के सहयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जितना भी इनके पास साधन है उससे कर रहे हैं, तो बड़ा काम है और इसमें सबको आगे आना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग ये सुन रहे हैं वो और भी सहयोग करें, वो भी आगे आए तो बड़े लेवल पे और भी कर पाएंगे। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस ओवरऑल पूरे कार्यक्रम को लेके, कितना चैलेंज रहा, कितना पेन लिया आपने, कितनी कठिनाई रही लोगों को इकट्ठा करना, और इस देखिए सामाजिक कोविड के दौर में कैसे देखते हो, क्या कुछ कहना चाहिए? सामाजिक कार्यों में तकलीफ तो अब हमेशा बहुत ही होती है। जो भी हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इतना आसान नहीं होता उनको ऑर्गेनाइज करना। और पिछले 10-15 सालों से हम लोग ये लगातार, यहाँ ही नहीं, मुंबई ही नहीं, भारत के तमाम हिस्सों में, दिल्ली हो, पंजाब हो, लखनऊ हो, अब इवन तक कि हैदराबाद हो, कोई सी भी जगह ऐसी नहीं जहाँ हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं करते। फिलहाल मैं आज इस प्रोग्राम के बारे में, जो आपने पूछा कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई, वाकई बहुत डिफ़िकल्टी हुई इसके अंदर। बहुत सारे और भी अतिथि थे जो नहीं आ पाए, क्योंकि 24 घंटा पहले इसके अंदर रिपोर्ट करानी पड़ती है महाराष्ट्र में आने के लिए। मैं कहता हूँ सरकार को इसको कुछ आसान करना चाहिए, किसी को इमरजेंसी होगी तो पहुँच नहीं पाएगा। और दूसरा, मैं सरकार को ये भी अपील करना चाहूँगा कि ये कि जब यहाँ कोई पहुँचता है तो उसका 1400 रुपीज़ उसका टैक्स का भी लगता है। तो मैं अफकोर्स ये समझ सकता हूँ कि महाराष्ट्र में हम भी आए, टेस्ट करा के आए हैं, आई लव महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र ने यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी दिए, यहाँ पर महाराष्ट्र जो है देश में हमेशा आगे रहा इस देश को बचाने के लिए, और महाराष्ट्र को बचाने के लिए आज पूरा देश टेस्ट कराए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको कुछ ईजी किया जाए, कुछ सरल किया जाए और इकोनॉमिकल किया जाए। अगर सरकार के पास आज धन नहीं तो जनता भी एकदम निर्धन हो चुकी है। और दूसरा, इसके माध्यम से एक और आवाज़ हमने अपने प्रोग्राम के द्वारा कोई ऐसी सीरियस ढंग से बात नहीं उठाई है। जिन लोगों ने प्रोग्राम देखा, हमने बहुत ही ईजिली ढंग से, चाहे सुनील पाल जी हो, चाहे स्वामी जी हो, हमने बहुत लाइट ढंग से एक बात रखी है इसके अंदर कि कोरोना है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना बीमारी से लोग मरते हैं, लेकिन उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए। मरीज के साथ स्वामी जी ने जैसा आज खासतौर पर बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की, दिल छू लेने वाली बात की, कि मरीज के साथ जो व्यवहार अंदर होता है, उसको जो खाना नहीं मिल पाता, चीज़ें नहीं मिल पाती और दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उससे इसके अंदर डेथ हो जा रही है। तो हमको उनके साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, उनका देखभाल सही करना चाहिए। इस तरह का बहुत बड़ा निराकरण हुआ और इसके अंदर सब वक्ताओं ने जो बात बोली, हम एक रिजल्ट लेके यहाँ से ज़रूर जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश पांडे जी का, राकेश पांडे जी का, कि मुझे यहाँ पे बुला के इज्जत दिया। और बिकॉज मैं ऐसे प्रोग्राम का भी मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इनको मिल रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। तो इनके साथ अभी हमेशा हम लोग मिलते रहेंगे बस, और भगवान करे इनका प्रोग्राम। ग्रेट क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के नाम पर मुझे अगर ये अवार्ड मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मैं आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मैं समझता हूँ कि इनके बारे में क्या कहें, हम लोग इनके चरणों की धूल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात। मुझे तो